सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो अभी मेरे को करना है एक बड़ा ही सॉलिड काम, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन से मैंने एक वीडियो देखी कि जो हेलमेट हैंगर आते हैं, वॉल हैंगर्स, मेरे पास चार हेलमेट हैं और भाई मैं उनको ऐसे रखता हूँ, बहुत धूल मिट्टी जाती है और बार बार इतना कुछ ज्यादा यूज नहीं होता। मैं यूजली दो हेलमेट यूज करता हूँ। तीसरा हेलमेट है वो हेलमेट यार मैंने बहुत ही कम यूज किया, मैंने लिया था वो फैशन थोड़ा ऑफ रोडिंग के चक्कर में। तो मैं दिखाऊंगा तीनों हेलमेट कौन कौन से हैं। तो मुझे एक वॉल माउंट लेना है जिसमें मैं एक एक हेलमेट चारों हैंगरों पर टांग दूं, ताकि वो दीवार पे टंगे रहे, वो अच्छे भी लगते हैं दीवार पे देख के। तो अब मैंने देखे अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल हैं, 350-400-500 में एक एक हैंगर आ रहा है। तो मैंने कुछ डीआईवाई वीडियोस देखी यूट्यूब पे कि हम खुद से भी कुछ डीआईवाई करके उसको बना सकते। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जाता हूँ मार्केट तक, देखता हूँ अगर मेरे वहां पे एक बंदा है, मैं जानता हूँ मतलब मेरा नॉन मन नहीं है, वो एक बंदे का नॉन, उसके बाजू में शॉप है उसकी, तो अगर वो बना देगा तो मैं चार माउंट बनवा के लाऊंगा उससे। तो भाई ये है अभी मेरा कुछ हेलमेट लगने का अमाउंट, वो जिसकी मैं बात कर रहा था ऑफ रोडिंग हेलमेट, उसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। ये मेरा प्राइमरी हेलमेट रहता है नॉर्मली, जब भी मैं थोड़ा बहुत 20-30 किलोमीटर जब भी जाना था इस वाला हेलमेट के लिए रहता हूँ। और ये हेलमेट मेरे बहुत टाइम से है, कम से कम 6-7 साल होंगे। तो ये मैं लोकल यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कुछ आसपास जाना होता है, मेरे इधर सिटी मार्केट तक जाना होता है, और वो हेलमेट वो सिर्फ मैं यूज़ नहीं करता। तो अभी इन चारों हेलमेट्स के लिए मुझे एक वॉल माउंट लेना है, जैसे कि ये नॉर्मल दीवार है तो 1-2-3-4 जैसे चार माउंट लग जाएंगे उसके ऊपर, एक एक हेलमेट माउंट हो जाए। तो मुझे ऐसा करना है, पर इस वाली पे माउंट नहीं करूंगा मैं दूसरी वॉल पे माउंट करूंगा। तो अभी देखता हूं, क्योंकि यार देखो गोप्रो माउंट सिर्फ इस हेलमेट पे है, इस पे नहीं है, इस वाले पे। तो इसका मेरा मन नहीं करता सिटी में लेके जाने का, बहुत हैवी फील होता है कई बार ऐसे ही जब ज्यादा ट्रैफिक में खड़ा होता हूं। तो मैं तो अभी इसको लेके जाता हूं हेलमेट को, और भाई रास्ते की तो वीडियो में कुछ खास बना नहीं पाऊंगा, ऐसे ही देखो काफी सारा सामान इसके साथ रखा रहता है। तो अभी हेलमेट साफ होंगे तो मैं इस सारे सामान को भी यहां से धीरे उठा दूंगा, तो ये खाली हो जाएगा, डेकोरेटिव पीस बन जाएगा, इसके अंदर कुछ और सामान रखेंगे, कुछ डेकोरेशन का रखेंगे। तो अभी के लिए चलता हूँ, वॉल माउंट्स का कुछ करके आते हैं, डीआईवाई अगर बनेंगे तो भाई मैं सोच रहा हूँ काफी अच्छा बना के लाऊंगा। ठीक है तो चलो चलते हैं। हाँ तो भाई घर आ गए वापस, और जिस काम के लिए गया था वो तो वहीं, जो वेल्डिंग मतलब जो वेल्डिंग वाला बंदा था वो मिला नहीं, और जो बंदा मिला उसके पास समय था नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि 4-5 दिन लगेंगे, मेरे पास काम है ऐसे वैसे, अभी टाइम नहीं है। वो वैसे वो शॉप पे नहीं था, उसको कॉल किया था मैंने, तो फिर बात नहीं बनी। फिर मैंने यूट्यूब पे एक और वीडियो देखी थी, तो मेरे यहाँ पे DIY नाम करके एक शॉप, मतलब काफी बड़ा सुपर मार्ट टाइप का है, उसमें काफी सारी अलग अलग तरह की सब तरह की एक्सेसरी वगैरह मिलती है, होम फर्निशिंग के लिए ले लो आप, स्टेशनरी ले लो, आपका गाड़ी का सामान ले लो, बाइकों का सामान ले लो, हार्डवेयर का सामान ले लो, उसका सब तरह की चीजें होती है उनके पास। मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी, मैं दिखाता हूँ मिला। और हाँ बीच में बारिश भी हो गई, मैं जैसे DIY पहुंचा वहां पे बारिश थी नहीं, और जब वहां से बाहर निकलने लग गया वहां बारिश होने लग गई। तो बताता हूँ मैं क्या लेके आया, बड़ा मस्त आइटम लेके आया वैसे तो अपने काम के लिए। तो ये हैं हैंगर्स, ये होते हैं कुछ ऐसे लगते हैं, और एक ऐसे लगा दो एक ऐसे लगा दो, इसके ऊपर कुछ आप क्या नाम है वुडन का वो लगा दो। तो हैंगर लेके आया हूँ, ये मैंने देखे थे एक बंदे की यूट्यूब वीडियो में, वो ऐसे बना रहा था। उसने बंदे ने पता है क्या किया, उस बंदे ने ये वाला ऐसा ऐसे वॉल में लगा दिया, और यहाँ से इस हिस्से को ऐसे अपर बेंड करके थोड़ा सा हुक जैसा बना दिया, जिसपे उसने हेलमेट ऐसे माउंट कर दिया था। तो हम भी ऐसा ही कुछ ट्राई करेंगे, और इसको व्हाइट नहीं छोड़ूंगा मैं, इसको ब्लैक पेंट कर दूंगा, मेरे पास पेंट रखा है। तो पहले इसको मोड़ वोड़ लूंगा, और हाँ ड्रिल तो है नहीं, तो अभी इसका काम शायद आज कम्प्लीट नहीं होगा, मे बी मैं 1-2 दिन में ड्रिल वगैरह लेके आऊँगा, मेरे एक अंकल के पास है तो ड्रिल वगैरह करके तब लगाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो आई थिंक आज के दिन में तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, क्या बारिश हो गई, मैं बहुत गीला हो गया ऑलरेडी। तो ये कुछ ऐसा आइटम है, ये एंगल्स हैं बेसिकली। तो जब लगेंगे ये नीचे से तो ऐसे लग जाएगा, और यहाँ से हम इसको अपर बेंड कर लेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ताकि हेलमेट सीधा स्लाइड होकर नीचे ना गिरे, वैसे हुक से में टंग जाए। और आई होप कि ये इतना मजबूत हो कि हेलमेट टंग जाए अच्छे से। ठीक है जब आगे की प्रोसेस होगी तब दिखाएंगे आपको आगे क्या रहेगा इसका वर्क। हाँ तो भाई जैसा पेपर में पढ़ा, Logitech G29। तो ये दिन दूसरा दिन, मैं कल ब्रैकेट वगैरह ले गया था संडे था, आज है मंडे, और मुझे कॉल आया कि जो मेरा स्टेयरिंग व्हील वो उसमें थोड़े इशू आ गए थे, तो ऑलमोस्ट 7-10 दिन हो गए उसको दिए हुए, तो वो आ गया है उनके पास, और आज जा रहा हूँ कलेक्ट करने। मतलब खैर ऑफिस तो मेरा उधर ही लाजपत की तरफ, तो वो स्टेयरिंग व्हील ओखला में, अब वो ओखला से उठा के लाजपत जाऊँगा। तो चलो चलते हैं, और प्रोबेबली शाम को घर पर आने के बाद स्टेयरिंग व्हील की अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो चलो भाई चलते हैं। हाँ तो भाई वेलकम है गाड़ी के अंदर। हाँ तो अभी हम खड़े हैं द्वारका में, और मैंने जब बड़े लेता हूँ तो द्वारका से पीछे जाना, जब बड़े पीछे आना द्वारका बहुत ही, और यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट से फिर बसंत कुंज होते हुए सीधा ओखला। और भाई ओखला में है सर्विस सेंटर, मतलब मैं दिखा दूंगा रास्ते में, चलो भी रास्ता इंजॉय करो। ठीक है और हेलमेट वॉल माउंट्स का कुछ ऐसा स्टेटस है कि
अभी वो काम हुआ, देखता हूँ एक दो दिन में, मतलब जैसे ही ड्रिल मैं अरेंज कर रहा हूँ, जैसे ही ड्रिल अरेंज हो जाएगी हेलमेट माउंट्स लगाएंगे और दिखाएंगे आपको हेलमेट माउंट्स कैसे लगते हैं। चलो रोड एंजॉय करो जब तक आप लोग। तो भाई नया आ गया ब्रांड न्यू डिब्बा, ब्रांड न्यू पैकिंग डिब्बा। ये था ओखला लॉजिटेक सर्विस सेंटर, काम बहुत अच्छा है। लॉजिटेक वालों को मैं कभी से फैन रहा हूँ सर्विस के मामले में। आपका प्रोडक्ट अगर वारंटी के अंदर है भाई लेके आओ, और ये झट से एक्सेप्ट करेंगे और झट से उसको रिप्लेस करके दे देंगे। मेरा मैक्स टू मैक्स जो पिछले वाला माउस था उसको लगे थे 15 दिन, नहीं तो ये हर चीज़ है ना हफ्ते से हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको रिप्लेस करके दे देते हैं। हाँ अगर कोई आइटम रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर करेंगे, अगर आइटम आपका रिप्लेसेबल है, मोस्ट ऑफ टाइम तो रिप्लेस होते हैं सारे प्रोडक्ट ज़्यादातर, इनके पुराने वाले प्रोडक्ट इनके कंपनी चले जाते हैं काम वाम के लिए, उन पर R&D वगैरह करते हैं, जो भी करते होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा स्टेयरिंग व्हील गया रिप्लेस हो, अब इसको चलाएंगे, घर जाके प्रॉपर अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ इसकी। चलो मिलते हैं आगे। हाँ तो भाई वेलकम बैक, और अभी शाम के ऑलमोस्ट 5:30 हो गए होंगे आई थिंक, लगभग तो निकला था मेरे ऑफिस से 5:15 के आसपास, और मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चला था ऑफिस, इतने में बारिश चालू हो गई थी। और अभी ऐसी भयंकर बारिश आ रही है ना इधर, दिल्ली का सच में ही झील बनने को हो रहा है। पिछले एक हफ्ता तो कह सकता हूँ, क्या एक हफ्ता तो मतलब बारिश तो खैर पिछले एक हफ्ते से हो ही रही है, पर ज़्यादा नहीं हो रही, पिछले दो से तीन दिन से बारिश ज़्यादा हो रही है, वैसे बारिश ज़्यादा नहीं थी। और भाई साउथ एक्स और सेंट्रल दिल्ली ताई डिफेंस कॉलोनी तरफ और बाकी साइड और ये सरिता विहार की तरफ बड़ी भयंकर बारिश हो रही। भाई शॉप पे लड़का आता है वो बता रहा उसके इधर नीज तक पानी भर रहा था कल बारिश में, तो बारिश बड़ी डेंजर हो रही है दिल्ली में, अभी भी हो रही है। तो सामने डिफेंडर भी चल रही है, देख सकते हो भाई कितनी भयंकर बारिश हो रही है, वाइपर फुल स्पीड पे चल रहे हैं, जब ये हाल है। और ये एक बड़ा सा झंडा है यहाँ पे, एक चीज तो अच्छी है दिल्ली में झंडे बहुत सारे लगवा दिए केजरीवाल सरकार ने। तो भाई मैं लेता हूँ बारिश के मजे, तुम लोग वीडियो के मजे, और वीडियो को लाइक करो भाई अगर पसंद आ रही है तो, अगर पसंद नहीं आ रही है जब भी लाइक करो, हमें रीच चाहिए अच्छी, ठीक है। तो लाइक पसंद आए ना आए लाइक जरूर करके जाना है। आप कमेंट तुम कर सकते हो तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लग रही है क्या चीज़ खराब लग रही है, अगर किस तरह का वॉइस इशू आ रहा है तो वो भी तुम कमेंट में डाल सकते हो, मुझे सजेशन दे सकते हो, वो काम तुम जरूर करो यार, उसके लिए तुम्हारा वेलकम है, ठीक है। चलो तुम रोड इंजॉय करो दोबारा से, मैं मिलता तुम लोगों को आगे वापस। हाँ तो भाई घर पहुँच गया, इतने लगभग 2.5 घंटे की जनता जगह, मैं लगभग 5:30 बजे वहाँ से निकला था, क्या कहते हैं उसको, लाजपत नगर से, और घर पहुँचते पहुँचते 8:15 का टाइम हो गया मेरे को, तो लेट बहुत हो गया। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारा स्टेयरिंग व्हील जिसमें आती हैं 2 यूनिट, एक ये शिफ्टर एडिशन आता है वो अलग से 5-6 हज़ार का लेना पड़ता है। मैं शिफ्टर का झंझट पालना नहीं चाहता था इसलिए मैंने सिर्फ यही ले रखा था, और इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने है। तो ये मेरा बिल है जो मैंने परचेज़ किया था उस टाइम पे, ये आती है इसमें स्टेयरिंग यूनिट ऐसे, यहाँ आती है इसकी पैडल्स यूनिट, मतलब जो ब्रेक रेस और क्लच के लिए पैडल्स आते हैं गैस थ्रॉटल के लिए, वो ये यूनिट है। ये है हमारी इसकी वायरिंग्स, और ये अपना कुछ और बताते हैं ये लोग कि आप क्या क्या आइटम इसमें पेयर कर सकते हो। ये लॉजिटेक की खुद की होते हैं आइटम इसलिए वो देते हैं इसमें, इनकी पार्टनरशिप और उसका रहता है तो इसलिए ये आइटम्स इसके अंदर कैरी होते हैं। एक और ऐसे ही गाइड बुक है, और ये वैसे ही एम्प्टी देते हैं यहाँ पे,
क्योंकि ये जो पैडल्स हैं ये यहाँ से इतना स्पेस एम्प्टी और इसको यहाँ पे सेट रखने, इसको बैलेंस रखने के लिए इसको गत्ते में लगाना पड़ता है। ये पावर यूनिट है, ये आपका मेन उसमें प्लग होगा, क्या बोलते हैं इसको, पावर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये इसका वायर प्लग होगा। उसके बाद ये जाएगा इसके अंदर, इससे जो ये वायर निकली है ये जाएगी इसके अंदर, और ये हमारी टेबल के ऊपर, ये हमारी टेबल के नीचे, ये हमारी टेबल के पीछे। तो इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो भाई मैंने तुम्हें यूनिट तो दिखा दी, अनबॉक्सिंग करी है थोड़ी बहुत, पर नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग डालूंगा, इसको पीसी पे सेट करूंगा, इसको पीसी से कनेक्ट करेंगे और एक दो गेम्स खेल के देखेंगे कितना अच्छा चल रहा है पहले के मूव, क्योंकि पहले तो भाई बहुत इशू आ रहा था इसका, मतलब मस्टे जैसे स्टेरिंग टर्न कर रहा था तो सारी सेटिंग्स रीसेट हो जा रही थी, थ्रॉटल से बैक जा रहा है, फॉरवर्ड से पीछे आ रहा है, कोई बटन काम नहीं कर रहा, अप शिफ्ट चल रहा है, डाउन शिफ्ट हो नहीं रहा है, तो ये इशू इसमें पहले आ रहे हैं। तो अभी इसको नया लेके आए हैं, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में इसको पीसी से कनेक्ट करेंगे, सब कुछ चला के देखेंगे, मस्त इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैंने हल्का सा अनबॉक्स किया है सिर्फ, प्रॉपर अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू सब डालेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी भाई लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना भाई दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब बढ़वाओ यार थोड़ा, जल्दी जल्दी करो, हमें भी आगे आना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।